हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जहाँ हम एक मिस्टीरियस स्कूल को देखते हैं। यहाँ क्लास 12 में 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर 21 थे। अब उनमें से एक एक्स्ट्रा कौन है? ऐसे यही 20 बच्चे ही उसे क्यों देख पाते हैं, यही हम इस कहानी में देखेंगे। ये स्टोरी मे भी आपको इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, क्योंकि इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं एंड सबके नेम को बताने के बजाय मैं उनके काम से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। इसलिए आप कैरेक्टर्स के नेम की जगह मेरे नरेशन पर गौर करना एंड उनके फेसेस पे भी। कहानी की शुरुआत में हम एक होम रूम टीचर दिखाया जाता है। वो स्टाफ रूम में क्लास के सारे बच्चों के पेपर्स कलेक्ट कर रहे थे, पर उनमें से एक बच्चे की एग्जाम शीट मिसिंग थी। क्लास में कुल 21 बच्चे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ 20 एग्जाम शीट्स थी। वो तुरंत फ़ोन लगाते हैं एक मैम को जिन्होंने पेपर्स बच्चों से कलेक्ट किए थे। वो मैम कॉल पर बताती है कि मैंने अच्छे से चेक करके ही पेपर्स कलेक्ट किए थे, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। होम रूम टीचर दोबारा चेक करने ड्रॉअर को खोलते हैं, तभी वहाँ पे ब्लैकआउट हो जाता है एंड बाहर कोई ज़ोर से गिरने की आवाज़ आती है। वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो तेज़ आंधी तूफान का मौसम था एंड सामने उन्हें कुछ बेहद ही अजीब दिखाई देता है, जो एज एन ऑडियंस हमें बताया नहीं जाता। वो इस चीज़ की तरफ जाते हैं एंड इसके ठीक दूसरी तरफ हमें क्लासरूम में कुछ बच्चों को दिखाते हैं जो स्पिरिट्स को कॉल करने वाला गेम खेल रहे थे एंड वहाँ बार बार वो बुनसिन शबा शब्द का प्रयोग करते हैं एक पेपर पे क्रॉस एंड जीरो ड्रॉ करते हुए। अचानक जब उनका रिचुअल पूरा हो जाता है तो वो पूछते हैं, क्या तुम यहाँ पर आ चुके हो? पहले तक कुछ भी नहीं होता, पर फिर अचानक जोर की बिजली कड़कती है एंड वो लोग डर कर कमरे से बाहर आ जाते हैं। जब सीढ़ियों के ठीक नीचे उन्हें उनके होम रूम टीचर बेहोशी की हालत में मिलते हैं एंड ये देख उन सभी की खटिया खड़ी हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में हमें अगली सुबह दिखाई जाती है। स्कूल में सारे बच्चे थे एंड ये क्लास 12 थी। जैक बंदा जंग व्लॉग्स रिकॉर्ड करा था यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए एंड वहाँ पर वो क्लास के सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाता है। इसके बाद तीन स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि आखिर टीचर के साथ ऐसा कैसे हो गया। एक बंदा कहता है शायद उन्हें किसी ने सीढ़ियों से धक्का दिया होगा। दूसरी तरफ हमें क्लास के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, यानी कि आप समझ सकते हो क्लास मॉनिटर। उसे होम रूम टीचर कॉल पर बता रहे थे कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ एंड वो उसे वहाँ पर यह भी कहते हैं कि क्लास में कोई भी बदमाशी तो मत होने देना। फिर क्लास प्रेसिडेंट दो यंग क्लास में आकर सभी को बताता है कि अगले 15 दिन क्लास का इंचार्ज मैं रहूंगा। बच्चे पूछते हैं आखिर सर की हालत हुई कैसे। वो बताता है सर को ये बात खुद भी याद नहीं। वहीं क्लास में एक एस्पायरिंग के पॉप आइडल था, उसने डेमो सॉन्ग प्रिपेयर किया था जिसे वो सुनने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक उसमें एक अजीब सी नॉइस आ जाती है जिस वजह से वो काम नहीं कर रही थी। उसे गुस्सा आता है कि ज़रूर क्लास के किसी बच्चे ने इसे छेड़खानी की है, पर सभी लोग कहते हैं कि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वहीं फिर उनमें से एक बटरमिल्क पैकेट्स लेने कैंटीन के पास आता है, जहाँ के इंचार्ज उसे कहते हैं तुम ही हो ना वो जो 20 बच्चों की क्लास के लिए 21 पैकेट्स लेकर जाता है, तुम एक्स्ट्रा नहीं लेकर जा सकते, समझे। वो बंदा मन ही मन सोचता है पर हम तो 21 स्टूडेंट्स ही हैं। कैंटीन में खाना खाते दौरान हमें गौर से क्लास टॉपर ह्यूग को दिखाया जाता है, जो थोड़ा अजीब लग रहा था बिकॉज टीचर की यह हालत की खबर सुनकर भी वो बिल्कुल भी शॉक नहीं था। वहीं फिर क्लास प्रेसिडेंट नोटिस करता है कि कैंटीन इंचार्ज लेडी प्लेट्स कलेक्ट करी थी, लेकिन एक प्लेट में खाना बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। वो कहती है पता नहीं किसने पूरा खाना वेस्ट कर दिया। इसके बाद वो लोग जब कैंटीन वाली बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो दूसरे क्लास के बच्चे उन्हें एक सॉकर मैच के लिए चैलेंज करते हैं, जो कि अधिक चला जाता है एंड पूछने पर वो कहता है तुम ऑलरेडी 11 हो, मेरी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। एक बंदा काउंट करता है एंड कहता है हम 11 ही हैं, पर इसने कब काउंट किया। दूसरा बंदा कहता है ये टॉपर है, दिन भर मैच ही करता रहता होगा। इसके बाद मैच वो लोग जीत जाते हैं एंड ओपोनेंट टीम का एक बंदा कहता है ये कितना ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है, हमारे पास एक ज़्यादा प्लेयर था स्टिल हम लोग हार गए। ये सुन क्लास 12 वालों में से एक कहता है क्या मतलब तुम एक ज़्यादा थे, हम भी 11 थे और तुम भी 11। ओपोनेंट टीम वाला कहता है नहीं हम 11 थे और तुम लोग 10। ये सुन वो लोग हैरान रह गए थे कि हमने अपनी आंखों से देखा एंड काउंट किया था कि हम भी 11 बंदे हैं, तो ये बंदा 10 कैसे बता रहा है। इस बात को अश्योर करने वो क्लास में जाकर जंग से पूछता है, बट जंग कहता है नहीं हम सब ने पूरा मैच खेला था, शायद उन्होंने गलत काउंट किया हो, हम 11 ही बंदे थे। तभी एक बंदा आकर पूछता है मेरे मिल्क का पैकेट कहाँ पर है। जो स्टूडेंट मिल्क लेने गया था वो कहता है हम कुल 20 स्टूडेंट्स हैं, मैं सबके लिए लेकर आया था। वो लोग कहते हैं 20 क्यों, हम 21 हैं, तुम्हें 21 लेकर आना चाहिए था। वो कहता है पर कैंटीन के इंचार्ज ने मुझसे कहा कि हमारे क्लास में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं। वो लोग कहते हैं रुको मुझे काउंट करने दो एंड वो क्लास के सारे बच्चे काउंट करते हैं एंड कुल 21 बच्चे आते हैं। वो रोल बुक जाकर देखता है तो उसमें भी 21 स्टूडेंट्स ही थे। ये देख वो लोग अश्योर हो जाते हैं कि ज़रूर कैंटीन इंचार्ज से ही गलती हुई होगी, लेकिन एक बंदा अब भी हैरान था कि ऐसी गलती यूं ही नहीं होती।
क्लास प्रेसिडेंट इस बात की जांच करने स्टाफ रूम में जाता है जहाँ हर एक क्लास के सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट मेंशन किए गए थे एंड वह इस क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 ही लिखे थे। वो टीचर को बताने का सोचता है बट उन्होंने पहले ही कहा था कोई भी परेशानी मत बढ़ाना। वो इसलिए क्लास के बच्चों को जाकर ये खबर देता है कि हम ऑफिशियली 20 होने चाहिए लेकिन 21 है, कोई एक है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है। उनमें से एक कहता है कहीं हमारे बीच कोई भूत तो नहीं, दूसरा कहता है ये साल 2021 है, यहाँ भूत थोड़ी ना होंगे। तभी तीसरा कहता है कल हमने पुंचिन शाबा गेम खेला था एंड उसके एंड में यही बताया गया कि एक एक्स्ट्रा पर्सन यहाँ पर है। तभी अचानक क्लास प्रेसिडेंट कहता है जरूर उस एक्स्ट्रा को टीचर ने ढूंढ लिया होगा, इसी वजह से उनकी हालत हो गई। तभी अचानक वह एस्पायरिंग केपॉप आइडल वाला बंदा कहता है ये देखो यहाँ पर क्या है। वो अपना हेडफोन्स उठाकर बाहर फेंक देता है क्योंकि उससे कुछ अजीब आवाजें आ रही थी जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उनमें से एक तुरंत उस डिवाइस को जाकर बंद कर देता है एंड ये देख प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि अगर उसके कहने पर भी वो भूत खुद को अभी रिवील नहीं करेगा देन वो लम्बल कर खुद उस घोष्ट को ढूंढेंगे। उनमें से कहता है उसके बाद क्या करोगे। प्रेसिडेंट बताता है हम ऐसे ही किसी को यहाँ रहने नहीं दे सकते एंड अगर हमने ये बात अभी बाकी स्कूल में बताई तो बात हाथ से बाहर भी निकल सकती है, इसलिए हम सभी को मिलकर ही कुछ करना होगा। शाम को चार स्टूडेंट्स आपस में कहते हैं हम में से कोई भी घोष्ट नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो हम रेड बीन्स यहाँ पर खा ही नहीं पाते क्योंकि घोष्ट रेड बीन्स नहीं खाते। अब यहाँ पर मैं आपको इन चारों के एक एक करके नाम बता देता हूँ। ग्रीन ड्रेस वाला हारुटो, ग्रे वाला केपॉप आइडल, शर्ट वाला जिंगवू एंड ब्लू ड्रेस वाला जिंकियो। दूसरी तरफ एक बंदा जो टॉपर था ह्योक, उसका रूम पार्टनर हारुटो उसे टी लाकर देता है एंड पूछता है क्या तुम्हें घोष्ट से डर नहीं लगता। ह्योक कहता है एग्जाम सामने आ रहे हैं, मुझे उससे ज्यादा डर लगता है। तीसरी तरफ हमें क्लास प्रेसिडेंट और उसके रूममेट्स को दिखाते हैं। प्रेसिडेंट याद करता है कि उसने आज होम रूम टीचर को कॉल किया था पर वो उसे कहता है कि अगर उसने क्लास को अच्छे से मैनेज किया देन वो उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख देंगे विच मीन्स उसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल पाएगी, इसलिए वो खुद ही ये चीज़ सॉल्व करने का सोचता है इंस्टेड ऑफ कि वो बाकी स्कूल में उस बारे में बताए। वहीं केपॉप आइडल के कमरे में वो गाने बजाता है क्योंकि उसे डर लग रहा था लेकिन म्यूजिक के प्ले होते ही एक पर्सन गायब हो जाता है एज इफ वही भूत हो क्योंकि घोस्ट म्यूजिक में नहीं आते। अगले दिन सभी बच्चों को क्लास में टेम्परेचर चेक करने के बाद ही इंटर करने दिया जाता है बट एक का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस की जगह 32.2 आता है विच इंडिकेट्स कि उसे ठंड लग रही होगी। जो बंदा टेस्ट करा था वो कहता है रुको बात क्या है, पर दूसरा पर्सन असाही वो डायरेक्ट एंटर कर जाता है बिना कुछ सुने एंड दूसरे सब कुछ एक गार्ड देख रहे थे। क्लास में एक पर्सन सभी के साथ प्रैंक करता है नॉर्मल लेक्चर्स के एंड में घोस्ट फुटेज लगाकर, जिसके बाद सब आपस में एक दूसरे को कहने लगते हैं कि तुम घोस्ट हो। सामने वाला कहता है नहीं तुम घोस्ट हो। उनमें से एक सबको शांत कर कहता है कि मुझे पता है कैसे ढूंढा जा सकता है इसे, मैं बस सीरियस होने का इंतजार कर रहा था। वो बुक में से एक तरीका ढूंढ अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख सबको गौर से देखता है पर जैसे ही वो खिड़की की तरफ बैठे बच्चों को देखता है तो अचानक एक कौवे के लगने से खिड़की टूट जाती है। तभी एक पर्सन आर्ट रूम से बोर्ड लेकर आता है जिसपे कुछ अजीब बना हुआ था एंड नीचे असाही का नाम लिखा था। उसे सभी ने ड्रॉ करते हुए देखा था एंड कुछ अजीब सा गुनगुनाते हुए भी एंड सुबह से वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। उसी के हाथ ठंडे थे एंड सब उसे घेर लेते हैं कि कहीं तुम्हें तो खोज नहीं। सबका शक बढ़ता जा रहा था एंड ये देख असाही अपने पास से क्रॉस का लॉकेट निकालता है एंड बताता है कि अब तुम्हें यकीन हुआ। वो लोग समझ जाते हैं कि क्रॉस पहना हुआ इंसान कभी घोष्ट नहीं हो सकता क्योंकि क्रिश्चियनिटी में मान्यता है कि क्रॉस एक होली सिंबल है एंड घोष्ट या कोई भी इविल स्पिरिट उसके पास नहीं आ सकती। बाकी लोग पूछते हैं अगर तुम घोष्ट नहीं हो तो आर्ट रूम में तुम क्या गुनगुना रहे थे। वो रिवील करता है कि वो प्रेयर्स थे जो क्लास के बच्चों के लिए ही वो कर रहा था एंड फिर वो ये भी कहता है मेरी बॉडी ठंडी नहीं थी, मेरे बस हाथ ठंडे थे एंड इसे कोल्ड फीट एंड कोल्ड हैंड्स कहते हैं जो बहुतों के होते हैं। यानी यहाँ पर ये तो कन्फर्म था कि असाही घोष्ट नहीं है। इसके बाद रात को हम देखते हैं जंग अपने व्लॉग चैनल के सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने स्टाफ रूम के पास जाकर लाइव स्ट्रीम करता है लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि इस बात पे जंग और क्लास प्रेसिडेंट के बीच बहस हो जाती है क्योंकि एक तरफ जंग के सब्सक्राइबर्स लाइव स्ट्रीम की वजह से बढ़ रहे थे पर वहीं अगर उसकी लाइव स्ट्रीम स्कूल के किसी और क्लास के बच्चे या टीचर ने देखी तो ये बहुत बड़ी बात बन जाएगी एंड उसका रिकमेंडेशन लेटर का सपना सपना ही रह जाएगा। वहाँ दोबारा बहस छिड़ जाती है कि घोष्ट कौन होगा। असाही कहता है घोष्ट हारुटो है। सब हंसते हैं एंड कोई विश्वास नहीं करता। हारुटो भी हैरान था कि असाही ने उसका नाम क्यों लिया। इसके बाद हमें क्लास टॉपर ह्यूक को दिखाया जाता है जिसकी पहली बार एग्जाम में मार्क्स कम आए थे। टीचर से डांट सुन वो उदास था एंड तभी उसे हारुटो दिखता है एंड हारुटो उसका ही रूममेट था जिसने उसे चाय दी थी तो दोबारा उसे वही चाय देता है। इसके बाद हम देखते हैं अचानक हारुटो जब सो रहा था तो उसके शोल्डर के पास कुछ अजीब सा निशान बन गए थे। वो इन्हें जाकर मिरर में देखता है एंड तभी हमारे सामने असली सच रिवील होता है। हारुटो के रूम में ह्यूक ने कुछ स्पेशल कार्ड्स रखे थे। एक्चुअली इन कार्ड्स को
उसकी ही क्लास के किसी बंदे ने दिया था उसे, ताकि वो स्पिरिट से खुद को सेफ रख सके। उसे क्या पता था कि उसका रूममेट ही घोस्ट है। असली सच रिवील किया जाता है कि एक्चुअली में असली घोस्ट हारुतो ही था। एंड तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं हारुतो ने रेड बीन्स खाने के बजाय छिप कर फेंक दिए थे, यानी कि घोस्ट को सच में रेड बीन से एलर्जी होती है। बुनसिन शबा गेम के वक्त सडन हैपनिंग्स उसने ही की थी ताकि सब डर जाए, एंड इस पूरे वक्त वही सब कुछ करा था लेकिन किसी को भी पता नहीं था। अब अगले दिन हम देखते हैं यक योशी से मिलता है। एक्चुअली योशी नहीं, वो कार्ड दिया था जिससे उसके कमरे में घोस्ट ना आए, एंड इसी वजह से हारुतो को चोट लगी थी। वही क्लास में जिनक्यो एक टेडी बियर लेकर आता है जो उसका फेवरेट टेडी था। सभी उसके और टेडी के बीच इतनी गहरी दोस्ती देख हंस रहे थे। एंड इस बीच जब सारे बच्चे कैंटीन में थे, जंग यहाँ कर दोबारा लाइव स्ट्रीम करता है, लेकिन उसे दोपहर के वक्त कुछ यूनिक नहीं मिलता, इसलिए वो थोड़ा इंतजार करता है। वहीं क्लास के वक्त मैम पढ़ा रही थी कि तभी एक सर उन्हें अपने साथ कहीं ले जाते हैं। एंड बचते हैं यहाँ बच्चे, उनके सामने एक डिवाइस रखा था जो अचानक बचता है। एक बंदा जाकर उस डिवाइस को बंद करता है, पर फिर वो दोबारा बजने लगा था। इस बार हारुतो जाकर उसे बंद करता है, लेकिन उसके बंद करने के बावजूद वो नहीं रुकता। तभी एक पर्सन आकर उसे फेंक देता है, पर वो फिर भी रुक ही नहीं रहा था। तभी जंग कहता है उसे छोड़ो, चलो यहाँ से चलते हैं, पीरियड खत्म हो चुका है। एंड उसके कमरे से बाहर निकलते डिवाइस रुक जाता है, क्योंकि ये उसकी ही प्लानिंग थी। उसने डिवाइस का रिमोट अपने पास रखा था, एंड बार बार वो उसे स्विच ऑन एंड ऑफ कर डरा रहा था सभी को, ताकि उसे बाद में लाइव स्ट्रीम करने के लिए अच्छे रिएक्शंस मिले। सबके बाद शाम को अचानक क्लास में वही टेडी वाली ट्यून बजने लगती है, एंड वो रुकने का नाम नहीं लेती। जिनको जाकर देखता है तो टेडी को किसी ने मार दिया था, यानी उसकी आंखों पे स्टैप किया गया था। ये देख वो डर जाता है, लेकिन हारुतो दूर से ये देख समझ गया था ये सारा काम जंग का है। वो लाइव स्ट्रीम में ज्यादा ऑडियंस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वही फिर हमें सबको हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जंग के रूम में जो उसका रूममेट था उसे डराने वो उसकी गैर हाजिरी में उसकी फोन पर एक हॉरर ट्यून सेट कर देता है, एंड जाकर अलमारी में छुपने की कोशिश करता है, ताकि जब वो दूसरा बंदा कमरे के अंदर आए वो अकेले में उसे ट्यून बजाकर डरा सके। लेकिन उसके ये प्लान उस पर ही बैकफायर कर गया था, क्योंकि वो म्यूजिक उसके खुद के फोन से बजने लगती है। एंड तभी हमें दिखाते हैं पीछे हारुतो खड़ा था। अब एक रियल भूत किसी फेक को क्रेडिट लें तो ही ना देगा। इसके बाद अगले दिन स्कूल में जंग सो रहा था, क्योंकि कल के इंसिडेंट के बाद वो और करता भी क्या। वहीं क्लास में एक बंदा टैरो कार्ड्स की मदद से लोगों का भविष्य देख रहा था। इस बंदे का नाम है योशी। एक्चुअली कोरिया में इन कार्ड्स की बहुत ही मान्यता है। वो वहां पर एक बच्चा जिंगवू उसका भविष्य देख कहता है तुम्हें कुछ दिन बाहर कमाना क्योंकि तुम्हें खतरा है। फिर वहां जब वो हारुतो का भविष्य देखता है तो अचानक टीचर आ गए थे और सभी अपने सीट्स पे लौट जाते हैं। लेकिन वहां पर योशी हैरान था, क्योंकि हारुतो का भविष्य किसी इंसान की तरह नहीं था, क्योंकि वो हारुतो का भविष्य देख ये समझ ही नहीं पाता क्या ये सच में कोई इंसान है भी। फिर क्लास में अनाउंस किया जाता है कि जल्द ही एक कार्निवल होने वाला है, जहाँ डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट चीज़ें प्रिपेयर करेंगे। एंड उनकी क्लास को हॉन्टेड हाउस प्रिपेयर करने बोला गया था। वो लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि उनसे बच्चे डरे ना डरे असली भूत जरूर उसे डरा देगा। लेकिन जब आ रही असली टास्क की आती है तो उस दिन दो बच्चे सुबह सुबह आए थे हॉन्टेड हाउस का मजा लेने, एंड पूरा क्लास हॉरर आइकन्स की तरह तैयार होकर था, एंड प्रॉप्स भी लगाए गए थे। लेकिन वो दोनों उन पर हंसकर पार कर जाते हैं, एक भी पर्सन उन्हें चिल्स तक नहीं दे पाता। एंड फिर वो बाहर आकर रिव्यू देते हैं ये कितना चाइल्डिश था, हमें डर तो छोड़ो हंसी आ रही थी। उसके रिव्यू के बाद एक भी बच्चा आना वहां बंद कर देता है, एंड वो सब मिलकर सोचते हैं हमसे भले ही कुछ नहीं हुआ पर असली भूत क्या कर रहा था, क्या उसे अपनी रेपुटेशन की कोई ख्याल नहीं। एंड तभी हमें हारुतो के फेस पे जूम इन करवाया जाता है, वो मास्क लगा असली जादू शुरू करने जा रहा था। जब दो बच्चे इसी सोचकर अंदर आते हैं तो उन्हें कल्पना भी नहीं थी यहाँ इस बार हारुतो से उनका मुकाबला है। वो उन्हें इतनी ज्यादा हॉरिफिक चीजें बार बार दिखाता है कि सिर्फ वही दोनों बच्चे नहीं बल्कि क्लास के बाकी सारे बच्चे जो भूत बने हुए थे वो तक उल्टे पैर भागकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन अंदर में एक लड़का जिंगवू बेहोश हो गया था, एंड सभी उसे बचाने जब अंदर जाते हैं तो वह उस लड़के के अलावा सिर्फ हारुतो प्रेजेंट था। उसे लगता है सबको उस पर शक होगा, बट उस बंदे को एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाती है, एंड बाकी सब वहाँ हारुतो से कहते हैं शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। फिर वहीं बाकी सब मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि हमें से ही कोई जरूर घोस्ट है, लेकिन कौन। सभी एक एक करके अपना जस्टिफिकेशन देते हैं कि आखिर क्यों वो इंसान है। पर जब बारी फॉर्चून टेलर बंदे योशी की आती है तो सभी उस पर शक कर रहे थे कि जरूर वही घोस्ट है, क्योंकि उसी ने बताया था कि जिंगवू पे मुसीबत आएगी, एंड वो सच में एडमिट हो गया। उन्हें अपनी इनोसेंस दिखाने वो शमन का भूत भगाने वाला म्यूजिक प्ले करता है, एंड ये म्यूजिक से हारुतो की हालत खराब हो रही थी। लेकिन एन वक्त पर टॉपर ह्यूक उस म्यूजिक को बंद कर देता है। उसका कहना था इससे हम आपस में ही लड़ेंगे, एंड मौके का फायदा उठा हारुतो वहां से भाग निकलता है। हॉस्पिटल में उस बंदे को दिखाते हैं, एंड एक्चुअली वो बेहोश हुआ था, पर वहां उसने हारुतो को भूत बना हुआ देख लिया था। अभी हॉस्पिटल में वो कंफ्यूज होता है कि हारुतो सच में भूत है या फिर ये सब उसका वहम था। तभी वह रूम में हारुतो सच में एंटर करता है, एंड ये देख उसकी हालत खराब होने लगी थी। हारुतो उसे माफी मांगता है,
पर तब तक वो दोबारा बेहोश हो चुका था। वही हम युग को देखते हैं जो बहुत पहले से जानता था कि हारुतो ही घोस्ट है। वो टेरेस पे जाकर हारुतो से मिलता है एंड कहता है, तो तुम सबको कब बता रहे हो अपना सच? हारुतो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? युग कहता है, तुम्हारी परछाई नहीं बन रही तो छुपा कर क्या फायदा, टीचर कुछ ही दिन में यहाँ पर आने वाले हैं, फिर तुम्हारा राज खुल जाएगा। एटलीस्ट अपने दोस्तों के लिए उन्हें सच बता दो। लेकिन उन दोनों को पीछे से बात करता हुआ क्लास प्रेसिडेंट सुन लेता है एंड अगले दिन स्कूल में वो जूनियर क्लास के बच्चों से पूछता है, क्या तुम्हें वो बंदा दिखाई दे रहा है? वो कहते हैं, नहीं तो क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? एंड तभी प्रेसिडेंट दो यंग के सामने रिवील हो गया था कि हारुतो ही रियल घोस्ट है। एक पल को तो वो भी शॉक था, कितने वक्त से भूत हमारे पास था लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए। क्लास में जाकर वो सबके सामने सच रिवील करता है एंड सारे हैरान रह जाते हैं पर उन्हें विश्वास नहीं होता। लेकिन हारुतो की चुप्पी ही हामी का काम कर रही थी। अचानक तभी क्लास में गार्ड एंटर करते हैं एंड हारुतो से कहता है, चलने का वक्त हो चुका है। एंड वो उनके सामने जाता है। क्लास के सारे बच्चे हैरान रह गए थे और वो तभी अपने पावर सभी के सामने शो करता है। सभी ये एकदम से घबरा गए थे एंड जो भी उसके करीबी दोस्त थे वो तक उसे सच छुपाने का कारण जानना चाहते थे। उनमें से कुछ को वहां पर लग रहा था कहीं यहाँ पर डेथ बेल तो नहीं चल रही कि गार्ड आकर भी सबको मार देगा। लेकिन तभी हारुतो एक सच रिवील करता है कि 10 साल पहले वो इसी स्कूल का एक स्टूडेंट था लेकिन उसे एक बीमारी थी जिस कारण वो हमेशा कमजोर रहता एंड एक दिन उसकी मौत हो गई। उसने कभी अपनी जिंदगी में स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस की ही नहीं। वो गार्ड एक्चुअली उसके फादर थे एंड उसके पेरेंट्स अपने बच्चे के गुजर जाने से इतने ज्यादा रोए कि उन्होंने उसकी अस्थियां इसी क्लास के लॉकर में रख दी एंड तब से उसकी स्पिरिट यही है। लेकिन आज तक उसे कोई देख नहीं पाया सिवाय जब चिंकियो और क्लास के बाकी बच्चों ने उसे देखा। हारुतो को ये देख लगा ये अच्छी बात है और उसने उनसे दोस्ती कर ली एंड कभी उन्हें हार्म नहीं किया। लेकिन आज उसके दोस्तों को ही उसके अगेंस्ट देख वो वहां से चला जाता है। रात को जब सभी अपने अपने कमरों में डिस्कस कर रहे थे कि हारुतो की एट द एंड कोई गलती तो है नहीं एंड हारुतो ने कंफर्म किया था कि हॉस्पिटल में उस बंदे को उसने नहीं पहुंचाया। लेकिन तभी बाकी लोग कहते हैं, हम एक भूत पर यकीन कैसे कर सकते हैं? इन सबसे दूर क्लास प्रेसिडेंट की अपनी अलग ही कहानी थी। वो टीचर से रिकमेंडेशन लेटर ले जाता है पर वो उसे नहीं देते क्योंकि उसके होने के बावजूद भी एक बच्चा हॉस्पिटल पहुंच गया। इसका दोषी वो हारुतो को ठहराता है कि उसे रिकमेंडेशन नहीं मिला एंड वो क्लास में आकर वोटिंग करवाता है कि कौन हारुतो के साथ है और कौन नहीं। अगर हारुतो को कम वोट्स मिलेंगे देन उसे एग्जॉस्टिज्म करवा वो लोग गायब करवा देंगे। पर वोटिंग में दोनों तरफ इक्वल वोट्स आते हैं। असाही वो क्रॉस वाला बंदा न्यूट्रल था एंड वो एब्सटेन करता है। टॉपर ह्योक जिनक्यो और कुछ लोग हारुतो के साथ थे बट वहीं केपॉप म्यूजिक वाला बंदा यूट्यूबर जंक और क्लास प्रेसिडेंट जैसे कुछ बंदे उसके एकदम अगेंस्ट। लास्ट में डिसाइडिंग वोट करता है चिंगव्यो हॉस्पिटल वाला बंदा। हारुतो का साथ देता है। ये देख सभी खुश थे, ये देख उसके सपोर्ट वाले बंदे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्टाफ रूम में वो टीचर अब लौट आए थे एंड वो मिस से पूछते हैं, अब मैं हॉस्पिटल से आ चुका हूँ तो क्या आपने देखा कि कुल 20 मार्कशीट सी क्यों थी? मैम कहती है, क्योंकि आपके क्लास में कुल 20 बच्चे ही पढ़ते हैं। एंड अचानक टीचर को याद आता है कि जब क्लास के पहले दिन वो सभी बच्चों का अटेंडेंस ले रहे थे तो उन्हें रोल बुक में 20 बच्चे ही दिखे। पर तभी जिंक्यू ने पूछा, हारुतो को आपने मिस कर दिया सर? एंड टीचर को लगा शायद किसी से गलती हुई होगी तो वह हारुतो को एज ए 21 स्टूडेंट रोल बुक में ऐड कर देते हैं जबकि वो इस क्लास का पार्ट था ही नहीं। पर आज सच्चाई जान तुरंत क्लास में आकर वो गुस्से से चिल्लाते हैं कि चले जाओ यहाँ से, तुम एक भूत हो, तुमने सोचा भी कैसे यहाँ रहने का? उनके गुस्से का कारण था कि हारुतो के कारण शुरुआत में वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए एंड इस बीच कई सारी स्ट्रेंज हैपनिंग्स भी हुई। इन सभी का दोषी वो हारुतो को ही मानते हैं। जिन सभी का शक हारुतो पर ही गया था वह टीचर सबसे कह देते हैं, अगर अब किसी ने भी हारुतो से बात भी की तो उस बच्चे को ना सिर्फ ग्रेड्स कम मिलेंगे बल्कि पनिशमेंट एंड पेनल्टी भी। यो कुछ नहीं सुनता एंड हारुतो का साथ देता है जिसपे क्लास प्रेसिडेंट दोयंग कहता है, तुम्हें पता है ना इसकी सजा क्या है, दोबारा सोच लो। एंड तभी उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। इसके बाद अगले दिन से हारुतो को सभी इग्नोर करने लगे थे। वो सबसे एक एक करके बात करने की कोशिश करता है, उनसे भी जो उसके दोस्त थे एंड उनसे भी जो उसके दोस्त नहीं थे। पर उसके सारे दोस्त सभी क्लास से लेकर कैंटीन एंड कैंटीन से लेकर डॉर्मेटरी तक हर जगह उसे अकेला छोड़ देते हैं। ये सीन हारुतो के लिए दिल तोड़ने वाला था क्योंकि यही लोग उसके दोस्त थे लेकिन वो लोग चाह कर भी उसका साथ नहीं दे सकते। उसके फादर भी अब ये जॉब छोड़ देते हैं एंड अब उन्हें इतना उदास देख हारुतो रो पड़ता है। अब क्योंकि उसके दोस्त भी उसके साथ नहीं थे तो वह खुद को इस दुनिया से गायब कर लेता है एंड अगले दिन से किसी को भी वो नजर नहीं आता। सब सोचते हैं वो आखिर कहाँ चला गया। लेकिन उसके यहाँ से गायब हो जाने के बाद इस क्लासरूम में कुछ जादू सा होता है। उन बच्चों की जिंदगी में कुछ जादू सा होता है क्योंकि कप में जब भी चाय की जरूरत होती अचानक चाय आ जाया करती एंड जंग के यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे घोस्ट केपॉप म्यूजिक वाले बंदे का म्यूजिक एकदम ठीक हो जाता है एंड एक बंदे का पेन जब जमीन पर गिरता है तो वो उसे उठाने जाता है पर पेन अपने आप हवा में उड़ता वो उसके हाथ में आ जाता है। उन बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ कैसे हो रहा है लेकिन एज एन ऑडियंस हम समझ पाते हैं ये सब कुछ हारुतो कर रहा था। वह नहीं होकर भी वो उनके पास था। वहीं टॉपर युग जाकर क्लास प्रेसिडेंट दोयंग से मिलता है। दोयंग बहुत ही उदास बैठा था।
क्योंकि उसे रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिला। वह युग उसे बताता है कि तुमने भले ही हारुटो का साथ नहीं दिया, पर इन फोटोज को ले लो एटलीस्ट। इन फोटोज में हम साफ देख पाते हैं हारुटो का सबसे खास दोस्त क्लास प्रेसिडेंट तोयंग था, लेकिन अपने इस रिकमेंडेशन लेटर की दौड़ में वो अपनी दोस्ती को ही भूल चुका था। वही फिर टीचर एक शाम एक शमन को लेकर क्लास में आते हैं जो हारुटो की अस्थियों को तोड़ने जा रही थी, जो कुछ रिचुअल्स कर हारुटो की अस्थियों को ढूंढ निकालती है एंड फिर वो उन्हें तोड़ने जा रही थी, क्योंकि उनके हिसाब से हारुटो कोई डीमन था। पर इस बार बच्चे हिम्मत कर टीचर के सामने खड़े हो जाते हैं कि हारुटो कोई बुरी स्पिरिट नहीं है, वो तुम्हारी मदद करता है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए सिर्फ ग्रेजुएशन तक, एटलीस्ट वो सभी अपनी इमोशन शेयर कर सकते हैं। एंड टीचर खुद भी उनके आगे वहां जीत नहीं पाते एंड तभी वहां पर हारुटो प्रकट हो जाता है। सभी उसे अपने पास घेर लेते हैं एंड टीचर खुद भी उनके आगे जीत नहीं पाते, क्योंकि पहली बार क्लास प्रेसिडेंट भी उनका साथ नहीं देता। युग ने उसे रियलाइज करवाया था कि हारुटो का सबसे पहला दोस्त क्लास प्रेसिडेंट दोयंग खुद था। इसके बाद ग्रेजुएशन तक वो लोग घोष्ट के साथ रहना सीख जाते हैं एंड लास्ट में आता है ग्रेजुएशन का दिन। ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था जब सब लोग स्कूल से कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे एंड वहीं हारुटो धरती से स्वर्ग, वो स्वर्ग की ओर निकलता है एंड हमें इसके बाद उन सभी की एक पिक्चर साथ में दिखाई जाती है जहाँ हारुटो कहता है थैंक यू, जिस पे उसके दोस्त कहते हैं थैंक्स टू यू हारुटो हमारी जिंदगी में आने के लिए एंड हमारे स्कूल लाइफ को इस दुनिया की सबसे यूनिक एंड यादगार स्कूल लाइफ बनाने के लिए। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस ड्रामा की शुरुआत एक हॉरर मिस्ट्री स्टोरी की तरह हुई थी, लेकिन किसने सोचा था इसका एंड इतना ज्यादा प्यारा एंड इमोशनल होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।